अक्सर पढ़ाई के समय फोकस करने में कई बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और विशेष रूप से परीक्षा के दिनों में ध्यान हिल सकता है। तो इससे कैसे बचें? अगर आपसे कहा जाए कि फोकस होने के लिए पहले डीफोकस हो जाओ, सरप्राइज्ड? यकीन मानिए, फोकस बढ़ाने का ये एक सक्सेसफुल ट्रिक है। स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। परीक्षा की लगातार तैयारी, तथ्यों को याद करना, गणित के प्रश्नों को हल करना, इन सबके बीच पर्याप्त आराम आवश्यक है। मोदी जी कहते हैं, डी फोकस करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि किसी विषय या काम पर फोकस करना। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सबसे बड़ी समस्या है कि हम डी फोकस करना नहीं जानते। अगर आपको किसी बर्तन में दूध भरना है, एक सीमा तक भर जाएगा, लेकिन जब तक खाली नहीं करोगे तो नया तो आएगा नहीं उसमें। आपको अंदर से कुछ खाली करने का सीखना चाहिए। डी फोकस करना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, फोकस करके रहोगे तो आपके चेहरे पर भी तनाव नजर आएगा। आपने देखा होगा, मेरे कुछ साथी मुझे बहुत बार कहते हैं कि मोदी जी, आप जब टीवी में देखते थे गंभीर क्यों दिखते हो? आपकी भी शिकायत होगी ना, मेरा वो नेचर नहीं है। लेकिन जब मैं बिना काम बैठा हूं, किसी समारोह में बैठा हूं, मंच पे बैठा हूं, तो एकदम सोचने में चला जाता हूं, तो मेरा चेहरा वगैरह फिर उसी में उलझ जाता है। तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सब देखने वालों को, यार टीवी बंद करो, ऐसे ही लगता होगा ये मोदी आ गया। क्यों? क्योंकि उस समय मैं डिफोकस नहीं करता। लेकिन उसी समय मंच पर बगल वाले से थोड़ी बात करता हूं, एकदम से आप देखते होंगे मुझे रिलैक्स महसूस करते होंगे आप। तो मैं जैसे ही डिफोकस होता हूं, सब कुछ सरल हो जाता है। और इसलिए 2400 घंटे एग्जाम, कैरियर, परीक्षा, ये जो शब्द है ना जी, सजेशंस, श्योर सजेशंस, लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल, न जाने क्या क्या शब्दों। अगर आपका कोई आज के युग के जमाने में अगर डिसेक्शन किया जाए तो यही शब्द भम 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 करके निकलेंगे, क्योंकि यही शब्द भरे पड़े हुए हैं। कभी उन शब्दों के बाहर भी एक दुनिया होती है। और इसलिए खेलना, हमारे शास्त्रों में पंच महाभूत इसकी चर्चा है। पता है पंच महाभूत है? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, है अग्नि, है ना? आपने कभी मार्क किया है दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बहुत सी ब्रांड बेचती होगी कि ये स्प्रे लगाओ तो फ्रेश हो जाओगे, टिकना करोगे तो फ्रेश हो जाओगे। लेकिन आप कितने ही थक करके आए हैं, ऐसे ही मुंह धो देते पानी से, फ्रेश हो जाते कि नहीं है? आप कहीं ऐसा अनिजी फील करते हैं, खिड़की खोल करके यूं मुंह कर देते हैं, फ्रेश होते कि नहीं होते हैं? मनुष्य की रचना ऐसी है शरीर की, जब भी इन पंच महाभूत के संपर्क में आता है उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। और इसलिए हमने प्रयत्न पूर्वक इन पंच महाभूतों से संपर्क बनाए रखना चाहिए। कभी खुले पैर से मिट्टी में दौड़ने का आनंद तो लीजिए। कभी अब मुझे बराबर याद है, मैं मेरे यहां तो और कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैं तालाब में ही नहाता था, ठंड हो या गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन मैं एग्जाम के दिनों में भी मेरे गांव के तालाब में रेगुलर जाता था। मुझे वो फ्रेश कर देता था पानी। समझे आप कि पढ़ाई के बीच थोड़ा ब्रेक या कहें अल्प विराम ताजगी और नई ऊर्जा लेकर आता है और एकाग्रता की क्षमता को भी बढ़ाता है। ऐसा देखा जाता है कि परीक्षा के दौरान बहुत से लोग टीवी बिल्कुल देखना बंद कर देते हैं, इंटरनेट का उपयोग बंद कर देते हैं, दोस्तों से मिलना, बाहर निकलना सब बंद। परीक्षा के समय अपने आप पर कर्फ्यू लगा बैठते हैं। बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे बच्चों के लिए मोदी जी एक नई राह दिखाते हैं। एक जैसा मैंने देखा है कि एक कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। आप अगर बोर्ड में है
टीवी बंद, दोस्त बंद, टहलना बंद, टेलीफोन बंद, बातचीत बंद, अमिताभ बच्चन होते तो कहते दरवाजा बंद। यही होता है ना। देखिए, इससे आप कभी परिणाम नहीं ला सकते हैं। आप जिन जिंदगी की आदतों से पले बढ़े हो उसको मात्रा कम अधिक कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट बदल सकते हैं, लेकिन इससे अलग होकर के आप मानो कि आप कर पाओगे संभव नहीं है। और इसलिए खेलने का शौक है खेलिए, गीत गाने का शौक है गाइए, सुनने का शौक है सुनिए, जो आपको आनंद देता है, जो दोस्त मिलने से आपको एकदम से खुशी हो जाती है, उस दोस्त को 10 मिनट के लिए मिल लीजिए, बुला लीजिए, लेकिन डी फोकस किए बिना आप फोकस नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा गलती बड़ी ये हो जाती है कि हम फोकस 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 करते हैं और फिर स्थिति ये बन जाती है कि जो बेल को बांध देते हैं तो ऐसे ही घूमता रहता है। ये स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए, और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वयं को एक खुलापन छोड़िए, जो अच्छा लगता है वो करिए, सब चीजों को काट करके अपने आप को अलग मत कीजिए, वरना आपको कभी भी फोकस करने की संभावना ही बचेगी नहीं। और इसलिए मेरा आग्रह है, फोकस तब होता है जब आप डिफोकस करना सीखते हैं, और डिफोकस करने के लिए आपके बचपन की जो आदतें हैं वो आपको बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। उसी के साथ जुड़ जाइए, उसी के साथ कुछ पल जी लीजिए, आपको परिणाम मिलेगा। तो बच्चा लोग, एग्जाम टाइम में कर्फ्यू जोन में नहीं जाना है, कमरे से बाहर निकलकर कुछ देर के लिए कुछ अलग करना, डीफोकस करना आपके मन को आराम देगा, आपको रिफ्रेश करेगा, माइंड फ्री होकर एग्जाम देंगे तो रिजल्ट निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। तो मोदी जी का ये मंत्र हमेशा याद रखें, फोकस होने के लिए पहले डीफोकस हो जाओ।